नमस्कार। आज मैं आपको उन छोटे बच्चों के विषय में बताऊंगी जो 1 महीने से 6 महीने 1 साल तक के बच्चे हैं, और जैसे ही मौसम में चेंज आता है तो उनको सर्दी, जुकाम, बुखार, कुछ ना कुछ परेशानियां लग जाती हैं और नाक बंद हो जाता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो इसके विषय में ही संपूर्ण जानकारी दूंगी। तो देर किए बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आपसे बात कर रही थी कि 1 महीने 6 महीने और साल भर तक के बच्चों को जैसे ही मौसम में चेंज आता है तो सर्दी, बुखार, जुकाम जकड़ लेता है, गला बंद हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, छाती में गड़गड़ की आवाज़ आती है। तो इस तरह की तकलीफ़ें उन्हें होना शुरू हो जाती हैं। तो आज मैं आपको इसी तरह के घरेलू इलाज बताऊँगी जिसका यूज़ करके आप बच्चों को इस तरह की तकलीफ़ों से बचा सकते हैं और दवाइयों से भी बचा सकते हैं। छोटे बच्चों को हमें मेडिसिन कम से कम देनी चाहिए और जो घरेलू नुस्खे हैं कोशिश करें इन्हीं से बच्चों को ठीक करें। इसलिए आप कोशिश करें कि शुरुआत जैसे ही किसी बीमारी की हो तो तुरंत ही घर में कोई भी घरेलू नुस्खा आप उनको दें जिससे बच्चा ठीक हो जाए। तो उसके लिए हमें 1 चम्मच शहद चाहिए और 4-5 बूंद उसमें अदरक की हो और 4-5 बूंद उसमें तुलसी के रस की हो। तीनों चीज़ को आप मिला लें, क्योंकि जब हम तुलसी का रस मिला देते हैं तो अगर बुखार है तो वो उसमें भी काम करता है। अदरक का रस सर्दी जुकाम में काम करता है और जब उसमें तुलसी मिला लेते हैं तो वो बुखार में भी काम करता है, संक्रमण को ख़त्म करता है। तो तीनों चीज़ को हम मिला करके हमें धीरे धीरे उसको चटाना है, एकदम से नहीं पिलाना है, उंगली से उसको चटाना है। तो हमें उसको चटाने में 10-15 मिनट लगाने हैं। इसके अलावा एक काम आपको और भी करना होगा कि आप या तो घर में सरसों के तेल में कुछ अजवाइन और लहसुन पका के रख लें, जैसे 100 ग्राम सरसों का तेल ले लें और उसमें 5-7 कलियां लहसुन की डाल लें और 1 छोटी चम्मच अजवाइन की डाल लें और उसको हल्की आँच पर गर्म कर लें और उसका तेल बना करके रख लें। जब ये सब चीज़ें जल जाएँ तो गैस बंद कर दें और रात को हल्का सा तेल गरम करें और बच्चे की छाती पर अच्छे से उसकी मसाज करें और उसके ऊपर एक कॉटन रख दें, चेस्ट को कॉटन से ढक दें और एक हल्की सी पट्टी उस पर रैप कर दें या तो, और या फिर जो वो इनर पहनता है वो टाइट होना चाहिए, जो कॉटन वहाँ से हिले ना। तो जब रात भर कॉटन इस तरह से लगी रहेगी, अदरक और शहद आप उसको चटा देंगे तो अगले ही दिन उसको 50% से ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा और 2-3 दिन में बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। और जब भी आपको सर्दियों में ऐसा लगे कि बच्चे को कुछ जुकाम, खांसी, कुछ भी फील हो रहा है, आपको आज छींकें आ रही हैं या कोल्ड का असर दिखाई दे रहा है, तो आप इंतज़ार ना करें, तुरंत ही नुस्खा बना करके शुरुआत कर दें जिससे कि बीमारी ना बढ़े। तो मुझे उम्मीद है आज की जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आज की जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।